चीन के खिलाफ भारत में जो माहौल बन रहा है उसे देखकर ये जरूर उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में चीन भारत की कार्रवाई से और ज्यादा परेशान होने वाला है। इसके पीछे का सीधा कारण है, चीन के कारोबारी हितों पर जब चोट होगी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और बर्दाश्त भला कर भी कैसे सकता है क्योंकि उसके खिलाफ भारत में कार्रवाई रुक ही नहीं रही है। अब उत्तर प्रदेश ने चीन को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला किया है। ये फैसला चीन को और भी ज्यादा चोट देगा। दरअसल यूपी में अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी चीनी कंपनी वहां टेंडर ही ना भर पाए, मतलब ना टेंडर भरेंगे और ना ही उन्हें काम मिलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चीन की एंट्री पर ही पाबंदी लगने जा रही है। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कुछ और देशों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। अब आपके मन में सबसे पहला ये सवाल होगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और फिर सरकार कैसे किसी दूसरे देश को अपने यहाँ टेंडर भरने की इजाजत देगी। तो उसके लिए भी सरकार ने एक प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत यूपी सरकार एक सक्षम प्राधिकरण बनाएगी, जिसके बाद संबंधित देशों की कंपनियों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले इन कंपनियों को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक सहमति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाली हर कंपनी की रिपोर्ट हर 3 महीने बाद केंद्र को भेजी जाएगी। इस मामले पर एक अधिकारी ने बताया कि विभागों को ये आदेश बीते दिनों भेज दिया गया है, जिससे इस फैसले को पूरी तरह अमल में लाया जा सके। सरकार की सूची में भले ही कुछ और पड़ोसी देश के नाम शामिल हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि ये फैसला चीन पर चोट करने के लिए ही लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा अगर बात करें तो भारतीय रेलवे से लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय तक ने कई प्रोजेक्ट और करार चीन से रद्द किए हैं, जिससे चीन को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। ये बात तो अब हर भारतीय की जुबान पर है कि चीन हमारे ही देश में आता है, काम करता है, कमाता है और फिर LOC पर आंख भी हमें दिखाता है। इसीलिए भारत सरकार ने भी जैसे को तैसे के तर्ज पर जवाब देने का फैसला किया है, और राज्य सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ चले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।